दोस्तों ये अनाथ लड़की एस्टर दिखती तो सिर्फ 10 साल की है, लेकिन असल में इसकी उम्र 33 साल है। इसे एक दुर्लभ बीमारी है जिसकी वजह से इसका शरीर बचपन में ही बढ़ना बंद हो गया था। यही नहीं, एक फरार कातिल भी है जो अब तक लगभग 7 लोगों का कत्ल करके एक अनाथ आश्रम में छुपी हुई है। ये दोनों मियां बीवी केट और जॉन अनजाने में इस लड़की को गोद ले लेते हैं। घर में कुछ दिनों तक तो वो छोटी बच्ची की तरह ही बर्ताव करती है, लेकिन धीरे धीरे वो पड़ोस के बच्चों को नुकसान पहुंचाने लगती है। यहां तक कि वो घर की सबसे छोटी बच्ची मैक्स को भी डराने धमकाने लगती है। केट को एस्टर पर शक होने लगा था, लेकिन जॉन को लगता है कि वो जरूरत से ज्यादा ही सोच रही है। एक दिन अचानक से अनाथ आश्रम की नन उनके घर पर आ जाती है। एस्टर को लगता है कि वो उसे वापस लेने आई है, इसलिए वो तुरंत मैक्स को अपनी बातों में बहलाकर नन को खत्म करने का प्लान बनाती है। नन के वापस लौटने पर रास्ते में एस्टर मैक्स के साथ ब्रिज की आड़ में उसका इंतजार करते हैं। नन के ब्रिज पर पहुंचते ही एस्टर मैक्स को धक्का दे देती है। नन गाड़ी तो घुमा लेती है, लेकिन पेड़ से टकरा जाती है। गाड़ी से बाहर निकलने पर एस्टर उसे हथौड़े से मारकर उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। घर पर एस्टर खून से रंगे हुए कपड़े छुपा देती है और मैक्स को धमकाते हुए कहती है कि अगर उसने किसी को भी इस बारे में बताया तो उसे जेल हो जाएगी। डैनियल जो कि मैक्स का भाई है उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, लेकिन एस्टर भी उसे देख लेती है। रात में एस्टर उसे भी छुरी की नोक पर धमका देती है।